उतना बड़ा घोटाला, मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था का, कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, चाहे नौकरियां हो, हाँ उन्हीं भर्तियों की बता रहा हूँ मैं, उन्हीं भर्तियों में। अरे रुक जाओ भाई, बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई, देखिए एक मिनट, देखिए उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का है। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार है, आपने सबने देखा है, समझा है, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला और विभागों का घोटाला हम देखें, कितना घोटाला और भर्ती में घोटाला। ये सरकार जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक, और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक, यहाँ पर भर्तियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं, और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बना लो, बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। अरे नहीं, आरक्षण दे दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण दे दें, कि उत्तराखंड में तो नौकरी घोटाले में जा रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और मंत्री तक लोग शामिल हैं। जो संस्थाओं में नौकरी निष्पक्ष मिलनी चाहिए, फेयर नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही उत्तराखंड, इसलिए